हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरर और टॉर्चर से भरी मूवी है। इस मूवी में कुछ ऐसे भी सीन हैं जो कि आपको विचलित कर सकते हैं, और इस मूवी में बहुत सारे 18 प्लस सीन भी हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप 18 प्लस हो तो ही इस मूवी को देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और अगर आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक को डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर पूरी मूवी को देख सकते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक कपल ब्रिजिट और फिल से, जो कि एक फॉरेस्ट के बीच में घूमने आए थे। उस फॉरेस्ट में उनको कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए दोनों कार की हेडलाइट ऑन करके अपने कपड़े उतार कर वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कोई दूर से उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं, और दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करने में लगे हुए थे कि तभी वहां पर एक मास्कमैन आकर फिल को जान से मार देता है। और ब्रिजिट इस नज़ारे को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी। ब्रिजिट फिर भी हिम्मत करके उस मास्कमैन के चाकू से उस पर अटैक करके वहां से भागने लगती है, लेकिन मास्कमैन दूर से ही चाकू फेंक कर ब्रिजिट को घायल कर देता है, जिससे कि अब ब्रिजिट चल भी नहीं पा रही थी। फिर वो मास्कमैन ब्रिजिट के पास में आता है और वो एक कुल्हाड़ी से उसे मारकर उसके कई सारे टुकड़े कर देता है और उसकी जान चली जाती है। सीन कट होता है और अब कहानी कुछ दिन के बाद से शुरू होती है, जहां पर हम एक नए कपल मैक्स और स्टेसी को देखते हैं जो कि उसी फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए जा रहे थे। दोनों एक लेक के पास में आते हैं और उस जगह को देखकर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वे लोग देखते हैं कि रेक्स नाम का एक लड़का उनके जैसे कैंपिंग करने के लिए आया हुआ था, जो कि उन्हें देखकर हाय कहता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिस तरीके से रेक्स ने स्टेसी को देखा था, वो बात उसके बॉयफ्रेंड मैक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अब फिर उस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए दोनों घूम रहे थे, और कुछ ही टाइम के बाद में दोनों को कैंपिंग के लिए एक अच्छी जगह भी मिल जाती है। मैक्स फिर आग जलाने के लिए लकड़ियों को कलेक्ट करने लगता है और स्टेसी कैंप को ही देख रही थी। तभी अचानक मैक्स को एक बनी का मास्क पहने एक लड़की नजर आती है, जो कि उसे दूर से चुप चुप कर देख रही थी। मैक्स कुछ समझ पाता कि तभी रेक्स मैक्स का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर कुछ टाइम के बाद में जब मैक्स को होश आता है तो बनी गर्ल उसके पास में बैठकर उसे ही देख रही थी। वो बनी गर्ल वहां से भाग जाती है और उसके बाद में मैक्स ये देखता है कि रेक्स उससे गर्लफ्रेंड स्टेसी का उसी के सामने रेप कर रहा है। मैक्स चुपके से रेक्स के पास में जाता है और एक पत्थर से उसके सर पर वार करता है। रेक्स ने स्टेसी को बहुत ही टॉर्चर किया था, जिस कारण से स्टेसी बेहोश थी। अब रेक्स मैक्स से माफ़ी मांगता है और वो उसे वहाँ से जाने देने को कहता है, लेकिन मैक्स रेक्स के ही चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट काट देता है, जिसके बाद में रेक्स दर्द में बहुत ज़्यादा तड़पता है। और तभी मैक्स उसी चाकू से उसका गला काटकर उसे जान से मार डालता है, और ये सारा नज़ारा वो बनी कल दूर से देख रही थी। फिर तभी अचानक कोई पीछे से आकर मैक्स के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अगेन मैक्स को जब होश आता है तो वो एक दूसरे घर में बंधा हुआ था, और वो बनी गर्ल उसके पास में बेड पर सोकर खुद को प्लेजर दे रही थी, यानी कि वो मास्टरबेट कर रही थी। मैक्स को होश आता देखकर वो बनी गर्ल डोर को खोलकर बाहर चली जाती है और मैक्स खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर उस बनी गर्ल का पिता आता है, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मूवी की शुरुआत में दिखाया जाने वाला वो मास्कमैन था। अब ये मास्कमैन बनी गर्ल का पिता था, तो हम इसे पूरे वीडियो में डैडी नाम से बुलाएंगे। ब्रिजिट ने जब से उसके ऊपर वार किया था, तब से डैडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, और शायद अब डैडी ज़्यादा टाइम तक जिंदा भी नहीं रहे। उसी टाइम बनी गर्ल अपनी माँ सारा को वहाँ पर लेकर आती है, जो कि मैक्स को टॉर्चर करके देख रही थी। मैक्स उसको अपनी गर्लफ्रेंड स्टेसी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वे लोग उसकी बातों को कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। फिर गुस्से में मैक्स सारा पर अटैक करता है, और तभी सारा भी वहाँ पर मैक्स की पिटाई करने लगती है। उस बनी गर्ल को मैक्स पसंद आ गया था, तो इसलिए वो सारा को मैक्स की पिटाई करने से रोक देती है। अब डैडी की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और कुछ ही टाइम में डैडी भी मर जाता है। और तब बनी गर्ल और सारा उसके पास में जाते हैं और उसके पास में जाकर बहुत ही रोने लगते हैं। अब इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैक्स एक चाकू से अपने रस्सी को खोलकर खुद को वहाँ से आज़ाद कर लेता है। वो जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में उन लोगों की ग्रैनी गन की नोक पर मैक्स को रोक लेती है और मैक्स को फिर से उसे घर में लेकर आ जाती है। फिर ग्रैनी अपनी ही लैंग्वेज में बनी गर्ल और सारा को कुछ कहती है, तब बनी गर्ल मैक्स के सर पर एक कपड़ा डाल देती है। अब ग्रैनी एक खील को एक आग पर गर्म करके
मैक्स के पैर पर उस कील को ठोक कर मैक्स को फ्लोर के साथ में जोड़ देती है ताकि मैक्स कभी भी वहां से भाग नहीं पाए। फिर बनी गर्ल, ग्रैनी और सारा डैडी के मांस को काट काट कर एक बाल्टी में जमा करने लगते हैं। फिर कुछ ही टाइम के बाद में वे डैडी के मांस को ही पका कर तीनों खाने लगते हैं और उनकी हरकतें देखकर मैक्स को भी बहुत ही अजीब फील हो रहा था। बनी गर्ल मैक्स को भी वो मांस खाने को देने वाली थी लेकिन ग्रैनी उसे रोक देती है। अब ग्रैनी डैडी के प्राइवेट पार्ट को काटती है और वो मैक्स को खाने के लिए देती है। मैक्स जब डैडी के प्राइवेट पार्ट को खाने से मना कर देता है तो ग्रैनी मैक्स के दूसरे पैर पर खिल ठोकने की धमकी देती है और तब मजबूरी में मैक्स डैडी के प्राइवेट पार्ट को खा लेता है। मैक्स को अपने पैर पर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मैक्स देखता है कि ग्रैनी डैडी के चेहरे से उस मास्क को निकाल रही थी और मास्क डैडी के फेस पर बहुत ही टाइट लगा हुआ था। बाद में ग्रैनी डैडी के मास्क को आग में सुखाने लगती है। सीन कट होता है और अगले दिन वो एक ग्लू को रेडी कर रही थी और उस टाइम बनी गर्ल और सारा जंगल में खेल रही थी। अब ग्रैनी मैक्स के चेहरे और उसके पैर को पानी से साफ करती है और उसके बाद में मैक्स के हाथों को रस्सियों से बांध देती है। वहां पर तब तक सारा और बनी गर्ल भी आ चुकी थी और दोनों मैक्स को अजीब तरीके से टच भी कर रही थी। बनी गर्ल और सारा मैक्स को जोर से पकड़ लेती है और ग्रैनी जबरदस्ती मैक्स के चेहरे पर उस मास्क को चिपका देती है। उस मास्क के ऊपर लगा वो ग्लू बहुत ही ज्यादा गर्म था जिससे कि मैक्स का चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से जल जाता है और मैक्स की चीखों के साथ में ये सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन ग्रैनी मैक्स के पैरों से उस कील को निकाल देती है। मैक्स के पैर की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी कि वो अब वहाँ से भाग भी नहीं सकता था। ग्रैनी मैक्स को एक कंबल उड़ा देती है और सारा और बनी गर्ल मैक्स को हक करके उसके साथ में सो जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था। अगेन सीन कट होता है और कुछ टाइम के बाद में मैक्स की आंख जब खुलती है तो देखता है कि वे लोग गाना गा रही है और उन लोगों ने मैक्स के पैरों पर पट्टियां बांध दी थी। मैक्स उस मास्क को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करता है लेकिन मास्क वहां से नहीं हटता है। मैक्स फिर जैसे तैसे जब बाहर निकलता है तो ग्रैनी उसे गन की नोक पर लेकर बनी गर्ल और सारा के पास भी लेकर जाती है जहाँ पर वो देखता है कि वे लोग डैडी की डेड बॉडी को जला रहे थे। डैडी की मौत से वे लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे लेकिन अब लोगों ने मैक्स को अपनी फैमिली में डैडी की जगह दे दी थी। फिर रात को वे सभी डैडी के मांस को ही खाते हैं और सारा मैक्स को भी वही मांस खिलाने लगती है। इन सब घटनाओं के बाद में मैक्स शॉक्ड में जा चुका था। ग्रैनी मैक्स को गन के पॉइंट पर रखा करती थी। फिर सारा मैक्स से कपड़े उतारकर उसको प्लेजर देने लगती है। उसके बाद में सारा खुद अपने कपड़े उतारकर मैक्स के साथ में ज़बरदस्ती इंटीमेट होती है लेकिन बहुत देर तक इंटीमेट होने के बाद भी मैक्स का स्पर्म नहीं निकल रहा था। और तब ग्रैनी मैक्स को प्लेजर देती है और सारा मैक्स के स्पर्म को अपने अंदर ले लेती है और हमें पता चलता है कि मैक्स के जरिए वे लोग अपनी फैमिली को बड़ी करना चाहते थे। सीन कट होता है और अगले दिन बनी गर्ल और सारा मैक्स को लेक के पास में लेकर जाते हैं जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों की ग्रेव को देख पाते हैं। मतलब कि उनकी फैमिली में पहले भी मैक्स और डैडी के जैसे बहुत सारे मर्द थे जो कि अब मर चुके थे। फिर उस लेक में वे दोनों मैक्स को नहलाते हैं। मैक्स उन दोनों को कुछ भी करने से मना नहीं कर रहा था क्योंकि कल रात के इंसिडेंट के बाद में मैक्स की मेंटल हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। अब रात को जब मैक्स सो रहा था तो बनी गर्ल मैक्स के साथ में इंटीमेट होने लगती है। मैक्स को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में बनी गर्ल का रेप कर देता है और ये देखकर सारा और ग्रैनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मैक्स उनके ही साथ में बैठकर कच्चा मांस खाने लगता है और मैक्स को उनके जैसा बनता देखकर तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैक्स ने भी अब उन तीनों को ही अपनी फैमिली मान लिया था और इसीलिए वो रेडी होकर शिकार करने के लिए निकल जाता है। मैक्स फिर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो और स्टेसी कैंपिंग कर रहे थे लेकिन वो देखता है कि स्टेसी वहाँ पर कहीं नहीं थी। कैंपिंग करने की चीज़ों को देखकर वो स्टेसी को याद करके बहुत ही ज़्यादा रोता है। मैक्स फिर उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ता है और वहाँ पर उसे एक रोड नजर आ जाती है जहाँ पर किसी की कार आ रही थी। उस कार को मैक्स रोक देता है। फिर उस कार से सेलेब नाम का एक आदमी निकलता है जो कि मैक्स को हेल्प ऑफर करता है। सीन कट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि मैक्स सेलेब को जख्मी करके ग्रैनी बनी और सारा के पास में लेकर आया है क्योंकि अब उनका खाना इंसानी था। सेलेब भी जिंदा था और ग्रैनी उसका प्राइवेट पार्ट काट के मैक्स को खाने के लिए दे देती है और मैक्स सेलेब के सामने ही उसका प्राइवेट पार्ट खा भी लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ ग्रैनी सेलेब को जिंदा जला रही थी और एक तरफ मैक्स बनी गर्ल और सारा के साथ में इंटीमेट हो रहा था। अब रात को वे लोग सेल्प के मीट को खाने लगते हैं और मैक्स भी उनके साथ में खुश रहने लगा था जैसे कि वो उनकी फैमिली का ही एक मेंबर हो और उन दोनों की हर डिमांड वो पूरी कर रहा था चाहे वो फिजिकली हो या फिर खाने की।
फिर अब आधी रात को ग्रैनी मैक्स को अपने पास में बुलाती है और वो उसे उसका आईडी कार्ड और उसके पैसे दे देती है, जिसे मैक्स खुद आग में जला देता है। मतलब कि मैक्स अब वापस नहीं जाना चाहता था और वो उन्हीं लोगों के साथ में रहना चाहता था। मैक्स को अब सारा, बनी गर्ल और ग्रैनी की ही दुनिया पसंद थी और उसे वापस से अब अपनी असली दुनिया में नहीं जाना था। ग्रैनी मैक्स को समझा देती है कि अब मैक्स को बनी गर्ल और सारा का ध्यान रखना है और उनको बच्चा भी पैदा करके देना है। ग्रैनी फिर मैक्स को उसके और स्टेसी की फ़ोटो देती है, जिसे देखकर मैक्स को कुछ भी फील नहीं होता है। अब अगले दिन ग्रैनी मैक्स को एक कुल्हाड़ी देती है और फिर सभी लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं। अब एक जगह पर आकर ग्रैनी ने स्टेसी को एक पेड़ से बांध कर रखा हुआ था। ग्रैनी मैक्स को ऑर्डर देती है कि वो जाए और स्टेसी को उस कुल्हाड़ी से मार दें। अब होश में आने के बाद में स्टेसी मैक्स को याद दिला रही थी कि वो कौन है, और मैक्स स्टेसी को गले लगा लेता है, जिसे देखकर ग्रैनी, बनी गर्ल और सारा को बहुत बुरा लगता है और इसीलिए मैक्स उन लोगों की बात मानकर स्टेसी को जान से मार देता है। मैक्स अब उन लोगों की लैंग्वेज ही बोल रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो उन सभी के साथ में मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड स्टेसी का ही मांस खा रहा था। फिर रात के टाइम पर मैक्स उसकी और स्टेसी की फ़ोटो को भी जला देता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने एक कैनिबल फैमिली को देखा जो कि लोगों का शिकार करके उन्हें मारते थे, फिर वो उनका मांस खाते थे। ये बस तीन लोगों की फैमिली थी, जिसमें ग्रैनी, सारा और बनी गर्ल थी। डैडी को तो उन लोगों ने सालों पहले मैक्स की तरह टॉर्चर करके अपने पास में रखा हुआ था और डैडी से सेक्स करके सारा ने बनी गर्ल को पैदा किया था। फिर उसके बाद में डैडी उनकी फैमिली का हिस्सा बन गया और उनके लिए शिकार करने लगा। डैडी जब मर गया तो उनको अपनी फैमिली के लिए एक और मर्द चाहिए था जो कि डैडी की जगह ले लें, तो इसलिए उन लोगों ने मैक्स को चुना और उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि वो अपनी असली पहचान भूल गया, जिसके बाद में मैक्स उनको ही अपनी फैमिली मानने लगा था और उन लोगों के लिए वो शिकार भी करता था। यहाँ तक कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड स्टेसी को भी जान से मार दिया और वो उसका मांस भी खाने लगा। जो मर्द कमज़ोर होते थे उन लोगों को वे लोग मार देते थे, क्योंकि वो उनके किसी भी काम के नहीं थे। मैक्स जैसे मर्दों को ही वे लोग अपने पास में रखते थे और उनके साथ में सेक्स भी करते थे ताकि उनकी जनरेशन आगे बढ़ पाए। अब इतने सारे ग्रेव को देखकर हम यही समझ पाते हैं कि डैडी और मैक्स जैसे और भी कई सारे मर्द उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुके थे। तो दोस्तों, ये था ब्लैंक फेस मूवी का एक्सप्लेनेशन, और इस मूवी से हमें यही सीखने को मिलता है कि चाहे कैसी भी कंडीशन हो, हमें अपनी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रखनी होगी कि हम खुद की आइडेंटिटी को कभी नहीं भूलें और कभी भी ऐसा काम नहीं करें जिस पर हमारा बस ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूँगा अब अगले वीडियो में।